जानकारी देंगे बटरफ्लाई के बारे में। तो सर बताएं आपका। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल कीर्ति शर्मा हूँ, होलकर साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ जूलॉजी का। और आज हम जो है बटरफ्लाई का सर्वे करने जा रहे हैं। एक ट्रेल मिली है और उस ट्रेल पे हमको आशा है कि बहुत सारी बटरफ्लाई मिलेंगी। बटरफ्लाई जो है वो इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए जरूरी रहती है, तो जितनी ज़्यादा बटरफ्लाई इसका मतलब इन्वायरमेंट की हेल्थ उतनी अच्छी। हेलो दोस्तों, हम जा रहे हैं तामिया फर्स्ट बटरफ्लाई सर्वे में। डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, बहुत छोटी छोटी साइंस पर मूवीज बना रहे हैं, बर्ड के सर्वे कर रहे हैं, बटरफ्लाई के सर्वे कर रहे हैं। तो जन जागरूकता फैलाने के लिए, साइंस कम्युनिकेशन के लिए ये सब काम कर रहे हैं। तो बेसिकली तीन टीम में डिवाइड करेंगे, तो तीन रिसोर्स पर्सन हो जाएंगे, तो तीन टीम के साथ एक एक रिसोर्स पर्सन रहेगा। और बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में ब्रीफ करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। मैं सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करता हूं और वन मंडल को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों को मौका मिला वाइल्ड बैरियर की तरफ से। हम लोग इंदौर से इसीलिए आ गए क्योंकि हम लोगों को सर ने बहुत बढ़िया एक अवसर दिया है आप सब लोगों से मिलने के लिए। अब देखिए, हम लोगों ने तीन रूट बनाए हैं यहाँ पर, और तीन रूट अभी रितेश जी बताएंगे कौन कौन से रूट हैं, और हम लोग छोटी छोटी टीम में डिवाइड हो जाएंगे और हमको बटरफ्लाईज देखनी है। बटरफ्लाईज जो है वो एनवायरमेंट की हेल्थ को बताती हैं। जिस इलाके में बटरफ्लाई जो है वो उनका सबसे बढ़िया सीजन जो है वो रेन्स के जस्ट बाद रहता है, मतलब सितंबर। सितंबर को जो है ऑल ओवर इंडिया में हम लोग जो है बटरफ्लाई मंथ कहते हैं, बिग बटरफ्लाई मंथ। तो उस समय खूब सारी बटरफ्लाई दिखती हैं और उसके वो रेनी सीजन बस खत्म होने के लिए रहता है, और उसके बाद जैसी रेन्स खत्म होती हैं, डिक्लाइन पर होती हैं, वैसे ही जो है ठंड बढ़ती जाती है। और फिर ये इंसेक्ट्स जो हैं, सारी बटरफ्लाई आप सबने देखा होगा इनको धूप सेकते हुए, तो इनके पंख जो है वो सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें गर्माहट आती है और फिर ये उड़ने लग जाती है। तो जहां पर जितनी ज्यादा बटरफ्लाई मिलेंगी वो उसका हेल्थ, उस एनवायरमेंट की हेल्थ जो है उतनी अच्छी रहेगी। और बटरफ्लाई इतनी सुंदर हैं, अलग अलग कलर की हैं, पैटर्न हैं, तो हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ये एरिया बिल्कुल शहर से थोड़ा दूर है, भागम भाग से दूर है, पॉल्यूशन कम है यहाँ पर, तो हम सोच रहे थे कि ये बहुत बढ़िया इलाका है और यहाँ पर काम भी कम हुआ है। ये थोड़ा सा बाकी सारे शहरों से, बड़े शहरों से, महानगरों से कट ऑफ रहा है, तो यहाँ पर नेचुरली हमको ज़्यादा वेराइटीज मिलनी चाहिए इसी आशा है। पर ये थोड़ा सा समय जो है बटरफ्लाई वाला निकल चुका है, फिर भी हम लोग सहायता करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बटरफ्लाईज मिलें। अब जो तीन टीम है वो जब चलेंगी किसी एक रास्ते पे चलेंगी, तो हमको वहां का एक तो जीपीएस देखना है, हमको रूट देखना है। तो आप में से जो जीपीएस देख सकता हो, उस रूट को फॉलो कर सकता हो, उसको जरूर रिकॉर्ड करें। हमको लगभग 5 मीटर आगे और लगभग 2.5 से 3 मीटर, 3 मीटर साइड में देखना है कि बटरफ्लाई कौन कौन सी दिख रही है। और कोशिश करें कि मोबाइल से अगर वो बैठ जाती है तो फोटोग्राफ ले लें। हमें से एक्सपर्ट्स भी आप सब लोगों के साथ में रहेंगे तो हम भी आपको बता पाएंगे, तो हम उनको पहचान पाते हैं। यही नहीं, हमको ये भी देखना है कि बटरफ्लाईज जितनी भी होती हैं, हर बटरफ्लाई का एक पसंदीदा खाने वाला पौधा रहता है। मतलब क्या होता है कि दो प्रकार के पौधे कहे जाते हैं बटरफ्लाई के लिए, एक तो नेक्टर कलेक्टिंग प्लांट कहे जाते हैं और दूसरे जो है वो लार्वल होस्ट प्लांट कहे जाते हैं। लार्वल होस्ट प्लांट मतलब वो प्लांट जिसपे बटरफ्लाई अंडे देती है, और उनके लार्वी जो है, बटरफ्लाई के लार्वी बड़े चूजी रहते हैं, जैसे हम में से हमारे बच्चे भी रहते हैं कि हम तो केवल भिंडी खाएंगे, आलू खाएंगे और कुछ नहीं खाएंगे, वैसे ही इन बटरफ्लाई के लार्वी जो हैं वो भी निश्चित पौधे के पत्तों को ही खाते हैं। जैसे लाइम बटरफ्लाई जो है वो लाइम के ही पौधों, संतरा, नींबू, इसी के पौधों को खाएगी। आप उठा के नीम के रख दोगे तो वो लार्वा मर जाएगा पर खाएगा नहीं। तो ये होते हैं लार्वल होस्ट प्लांट। तो अगर बटरफ्लाई ज्यादा है, इसका मतलब उन सब के होस्ट प्लांट भी वहां पर हैं आसपास। इसी प्रकार से फिर बटरफ्लाई जो है वो रस पीती है, फूलों का रस पीती है, उसमें से मकरंद, शर्करा ये लेती है, नेक्टर पीती है, तो वो भी पसंदीदा प्लांट होता है। हमारे पास जंगल में बहुत सारे लेंटाना के प्लांट रहते हैं, इसी प्रकार से कुछ और दूसरी जंगली फ्लावर के प्लांट्स रहते हैं,
वो वहां से ही पसंदीदा पौधे से ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हमको उन फूलों पर आने वाली उन पत्तियों पर अगर अंडे दे रही हो वो भी दिख रहे हैं तो हमको वो भी नोट करना है। हमको कहीं पे उनके लटे या लार्वी दिख जाती हैं, कैटरपिलर्स दिख जाती हैं, तो उनको भी हमको नोट करना है। तो इस प्रकार से हम अपने आगे लगभग 5-1 मीटर तक देखेंगे और उन बटरफ्लाइज को नोट करेंगे। साथ में हम रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे। देखिए, अब आप में से मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग एक्सपर्ट नहीं हैं, पर हमको ये जरूर पता रहता है कि बटरफ्लाई काली थी कि पीली थी कि नीली थी, है ना। तो हम ये जरूर देखेंगे कि पीली वाली ज्यादा मिली या काली वाली ज्यादा मिल रही है या किसी पौधे पर लाल वाली ज्यादा आ रही है। तो इस प्रकार से आपको धीरे धीरे हम उनके नाम भी बताएंगे और हम लोग फोटोग्राफ्स भी लेंगे और इस प्रकार से हम बटरफ्लाई के बारे में बेहतर सीख पाएंगे। तो इससे हम जो है आसपास के सदस्यों को जागरूक कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हम आगे चलते जाएंगे, उनके फोटोग्राफ्स लेंगे, उनको नोट कर लेंगे, पेपर पे शीट पे नोट भी कर सकते हैं और उनका नंबर भी लिख सकते हैं। आपको जैसे 5 पीले कलर की बटरफ्लाई दिखी तो आप वो 5 लिख सकते हैं, हमसे नाम पूछ लीजिएगा, ग्रास येलो है वो, इसी प्रकार को छोटी है तो आप अपने टीम मेंबर्स को दिखाइएगा कि वो री। आप अगर नहीं पहचान पा रहे तो आपके साथ वाला कोई ना कोई दिखा देगा। कोशिश करिएगा कि कैमरे से फोटोग्राफ आ जाए, मोबाइल से फोटोग्राफ आ जाए। तो ये लगभग 3-4 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, 3 घंटे का, और हम लोग वापिस से उसी ट्रेल से लौट करके आएंगे। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा साथ में बर्ड, हाँ ऑफकोर्स, देखिए ये बहुत अछूते जंगल रहे हैं और यहाँ पर हमको लग रहा है कि बर्ड्स भी बहुत सारे प्रकार की हैं। बर्ड्स को हम अधिक अलग अलग प्रकार से पहचानते हैं, कई बार उनके आवाज से पहचान लेते हैं उनको, देखना कई बार मुश्किल रहता है क्योंकि झाड़ियाँ पेड़ वृक्ष ऊपर काफी लंबे रहते हैं, ऊंचे रहते हैं। तो आप अपने साथ में साथियों को बता दें, वो कोशिश करें फोटोग्राफ्स ले लें, कई बार उनके आवाज भी हम देख सकते हैं, और अपने साथियों को बताएं, लोकेट कर दें। जैसे हम लोग और कहीं लगे हुए हैं बटरफ्लाई को देख रहे हैं, तो आप में से किसी को अगर वल्चर दिख रहा है या कोई और बर्ड दिख रही तो जरूर दिखाएं और उसको हम नोट करते चलेंगे। कई बार क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट नाम नहीं पता रहता है, पर जैसा लग रहा है, कौए जैसा लग रहा है तो वो लिख लें, आपको हम बता देंगे नाम वो लिख लें, और बाद में हम उसको फाइनलाइज कर लेंगे, इस लिस्ट को बेटर कर लेंगे। आप सबकी मदद ये भी चाहिएगी कि आप जितने फोटोग्राफ्स निकालेंगे वो हमको जरा एक बार दिखाइएगा जरूर, जिससे कि हम लोग उसके डेटा कलेक्शन में वन विभाग को जब रिपोर्ट बना करके देंगे उसमें हमारी सहायता हो जाएगी। तो हमको बटरफ्लाई का सर्वे भी करना है, बर्ड्स का सर्वे भी करना है। बहुत सारी बर्ड्स जो है वो सारी बर्ड सुन सकती हैं, तो हम जब ट्रेल पे जाएं तो हमको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए, ज्यादा उत्तेजित होंगे तो वो बर्ड्स भाग जाती हैं, और एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है बर्ड्स के साथ। आप ज्यादा अच्छा फोटोग्राफ लेने के लिए जैसे पास जाने की कोशिश करेंगे तो उड़ जाएगी, तो सबसे पहले फोटोग्राफ ले लें दूर से ही, फिर पास में जाने की कोशिश करें, और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे साथ साथी हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अगर कुछ सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें, है ना। हम यहाँ पर 2 चीजें देखना चाहते हैं, एक तो बटरफ्लाई और बर्ड्स कौन से प्रकार की, यानी स्पीशीज कौन सी, और अधिकता में कौन सी मिल रही है, कौए ज्यादा मिल रहे हैं, मैना ज्यादा मिल रही है, या पीले कलर की बटरफ्लाई ज्यादा मिल रही है ना। ये इस प्रकार से उनके अबंडेंस देखना चाहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस। तो मेरे ख्याल से आप सभी को कुछ समझे होंगे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में। साथ में जो इम्पोर्टेंट बात मैं भूल ही गया था कि हमारे साथ प्रत्येक टीम के साथ कुछ फॉरेस्ट गार्ड्स भी रहेंगे जो वाकई में इस फॉरेस्ट को अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, पेड़ों के बारे में जानते हैं। उनसे बटरफ्लाई अगर जैसे अंडे देते हुए दिख रही हैं या उनके लार भी दिख रहे हैं तो उनके पौधों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, वृक्षों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो हम सबका नॉलेज इस प्रकार से बढ़ेगा। कुछ उसमें से मेडिसिनल प्लांट रहते हैं जो हम यूज करते हैं मेडिसिन, पर हमको नाम ही नहीं पता रहते हैं, तो ये बेहतर तरीका है कि जब हम उनकी भी सहायता लें और उनसे काफी जानकारी ले पाएं। अच्छा, वो पीली दिख रही है, मेरे ख्याल से इमिग्रेंट है। जेजेबेल, अच्छा ऊपर ट्री पे जो दिख रही है वो जेजेबेल है, और जेजेबेल जो है वो टेसू पे देती है, टेसू के जो वो होली के समय जो हम टेसू के फ्लावर से रंग बनाते हैं उस वाले पौधे पर ये काफी अंडे देती है। तो जेजेबेल ये जो बिग बटरफ्लाई मंथ है, पिछले साल जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से आंदोलन हुआ था ऑल ओवर इंडिया में कि हमारे पास टाइगर है नेशनल एनिमल, तो क्यों ना हम बटरफ्लाई भी, एक नेशनल बटरफ्लाई क्यों नहीं होनी चाहिए, हमारे पास राष्ट्रीय तितली होनी चाहिए। तो उसकी रेस में जो सबसे ज्यादा आगे चल रही थी
वो ये जेजबेल बटरफ्लाई थी और उसमें थोड़ा सा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पर मेरे ख्याल से वो जल्दी ही इस प्रकार से आएंगे और एक हमारे पास नेशनल बटरफ्लाई भी होगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि वो नेशनल बटरफ्लाई हम लोग स्टार्ट बहुत बढ़िया करा है, सचिन जी ने हमको तुरंत वो नेशनल बटरफ्लाई जो हो सकती है वो हमको दिखाई है। तो मेरे ख्याल से दिन बहुत अच्छा रहेगा, बढ़िया धूप निकल रही है और यही समय है जब वो बटरफ्लाई सब उड़ना चालू करेंगे, उनके पंख गर्म हो जाएंगे और मजा आएगा मुझे। तो थैंक यू वेरी मच सर, मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है, मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हम लोगों को मौका दिया। जी रितेश जी टीम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे प्लीज सुनिएगा और हाथ ऊंचे करते रहिएगा जिससे आपके टीम वन में है हिमांशु, टीम टू में है विवेक, हमारी टीम। हेलो मेरा नाम है मोहित कुमार सुरवंशी, मैं साई ग्रेड 3 हूँ, करेक्टर कॉलेज छिंदवाड़ा में। अब हम परिचय कराते हैं नेमा जी से, नेमा जी बताएं। मैं डॉक्टर पवन नेमा आयुर्वेद आचार्य, पेशे से डॉक्टर हूँ, साथ में मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ है विद जियोलॉजी। सर आप बताओ। जी मैं प्रखर साहू हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। जी मैं आशुतोष विश्वकर्मा और मेरा प्रोफेशन वैसे फार्मिंग है। अच्छा, और अब हमारे लास्ट में जो मेन सर है जो हमको लीड करेंगे और पूरी जानकारी देंगे बटरफ्लाई के बारे में, तो सर बताएं आपका। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विपुल कीर्ति शर्मा हूँ, होलकर साइंस कॉलेज में प्रोफेसर हूँ जूलॉजी का, और आज हम जो है बटरफ्लाई का सर्वे करने जा रहे हैं। एक ट्रेल मिली है, उस ट्रेल पर हमको आशा है कि बहुत सारी बटरफ्लाई मिलेंगी। बटरफ्लाई जो है वो इन्वायरमेंट के हेल्थ के लिए ज़रूरी रहती है, तो जितनी ज़्यादा बटरफ्लाई का मतलब इन्वायरमेंट की हेल्थ उतनी अच्छी है। तो हमको इस सुरम्य वातावरण में ऐसा लगता है कि बहुत सारी बटरफ्लाई मिलने वाली हैं, और आप जुड़े रहिए बस, बिल्कुल मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद सर आपका। हेलो दोस्तों, तो ये था हमारा सर्वेक्षण दल का गठन, और अब हम निकलेंगे तितली सर्वेक्षण में फील्ड में, तो उसका ब्लॉग मेरा सेकंड ब्लॉग में बनाने वाला हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं बाद में अपलोड करूंगा। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए इसी तरह की जानकारी के लिए। धन्यवाद।